ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में बच्चों हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए बच्चों मल्टीपल स्क्रीन्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप सभी ध्यान से पढ़ें इसको, ठीक है। एक सोलेनोइड बनाते हैं हम लोग, एक सोलेनोइड है हमारे पास, ठीक है। और सोलेनोइड की जो बच्चों लेंथ है वो है एल, ठीक है। एरिया है बच्चों ए, ठीक है। और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स है एन, क्लियर। तो आपको अच्छे से पता है कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बच्चों कितना होता है, म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, क्लियर। सो अब उसके बाद क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास बी ए कोस, यहाँ पे जीरो एंगल बनेगा क्योंकि फील्ड भी इस तरफ है और एरिया का नॉर्मल भी इस तरफ है, तो ये बनेगा बी ए कोस जीरो, ठीक है। अब एन टर्न्स हैं तो फ्लक्स भी कितने गुना बढ़ जाएगा, एन टाइम्स। तो ये बच्चों आपके पास आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला एन बी ए कोस जीरो, क्लियर। अब इसमें क्या है ध्यान से देखना, आपको अच्छे से पता है कि सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए हमारे पास पाई का फॉर्मूला होता है बच्चों एल आई। हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास एल आई इक्वल टू एन बी ए, ठीक है। अब यहां पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करो बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास एल आई इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू है बच्चों आपके पास म्यू नॉट एन आई बाय ए, और ये एरिया भी मल्टीप्लाई होगा यहां से, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए, ठीक है। और आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों सेल्फ इंडक्शन की, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने एक ड्राइव किया विच इज इक्वल टू, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, हमारे पास आ गई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए बाय एल, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये हमारे पास, इसका एक्सप्रेशन आ गया सेल्फ इंडक्शन का, ठीक है। तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मान लो कि वो कहता है कि लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी, एन का स्केयर तो टू का स्केयर आ जाएगा 4 टाइम्स, तो एल बच्चों आपके पास कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कॉन्स्टेंट करके लेंथ को डबल कर दूं, ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं बच्चों लेंथ को डबल कर दूं, तो लेंथ को डबल करने पे क्या होगा, जो एल है बच्चों वो क्या हो जाएगी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी आता है बहुत बार, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट है आपके पास, ये था आपके पास सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, ओके। तो
ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ध्यान से देखना। मान लो आपके पास सेल्फ इंडक्शन में क्या था बच्चों, कि हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते थे और उसी कॉइल में हमारे पास क्या आता था, ठीक है ना, ईएमएफ इंड्यूस होता था, क्लियर। लेकिन म्यूचुअल में क्या होता है कि हम एक कॉइल में, मान लो ये आपके पास फर्स्ट प्राइमरी कॉइल है, इसके अंदर आप करंट को चेंज करेंगे तो उसका फ्लक्स यहां पर सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा, तो अब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंड कॉइल के अंदर। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर, अगेन इसका एक्सप्रेशन एज इट इज है, ध्यान से देखें सभी। जो आपके पास फ्लक्स है वो बच्चों किस पे डिपेंड करता है, करंट पर। यहां से प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो फाइ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम आई, क्लियर। और एम को बोलेंगे यहां पर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। तो उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, हमें अच्छे से पता है कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी फाइ बाय डी टी। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया डी फाइ बाय डी टी, क्लियर। तो फाइ की वैल्यू हमने यहाँ पे एम पुट कर दी, एम कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, क्लियर। अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एम की वैल्यू बता सकते हैं, ओके दिस इज योर वैल्यू ऑफ एम, क्लियर, दिस इज योर वैल्यू ऑफ एम, ओके। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर। अब हम एम को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, क्लियर। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, हम इसकी एसआई यूनिट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन की एसआई यूनिट वही है जो सेल्फ इंडक्शन की होती है, विच इज हेनरी, क्लियर। अब हमें 1 हेनरी को डिफाइन करना है, अगेन इट इज वेरी इजी। एम वन तब होगा जब ई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 एम्पेयर पर सेकेंड होगी, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 H, क्लियर। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड टू बी 1 हेनरी, ओके दिस इज 1 हेनरी, व्हेन ईएमएफ इज 1 वोल्ट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड, ओके। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। अब बच्चों कोई आपसे पूछे कि आपके आपने जो है वो ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चे कि हमारे पास जो एम का फॉर्मूला है वो क्या आया, एम का फॉर्मूला बच्चों आपके पास आया, या फिर ई का फॉर्मूला आया आपके पास बच्चों, एम डी आई बाई डी टी, माइनस साइन मैंने यहां से इसका मैग्नीट्यूड ले लिया बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ये आगे बच्चों, अब हमने क्या बनाना है, आप एक ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, ई और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बीच में, डी आई बाई डी टी, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई किसके प्रोपोर्शनल है, डी आई बाई डी टी के। जितनी जल्दी से आप करंट को चेंज करोगे उतनी ज्यादा ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बच्चों आपको अच्छे से पता है, हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आ गया आपके पास, एक तरफ आ गया डी बाई डी टी और एक तरफ बच्चे आ गया ईएमएफ, क्लियर। सो दिस इज योर सिंपल ग्राफ, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ओके okay? क्लियर स्टूडेंट्स। सो
सकते सो स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे एक सोलेनोइड की, दो सोलेनोइड्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसकी हम लोग कफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो देखो कैसे आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, आपने क्या करना, तो आप इस बार आपके पास क्या है बच्चों, दो सोलेनोइड्स हैं। दिस इज फर्स्ट सोलेनोइड, इसके पास मान लो है एन वन टर्न्स, कितने टर्न्स, एन वन, और इसके ऊपर ही एक दूसरी सोलेनोइड है कुछ इस तरह से, कोएक्सियल है, दोनों के एक्सिस सेम है, दोनों ऊपर वाली एक्सिस में जो टर्न है वो कितने हैं बच्चों, एन टू। अगर आप पहले आपने क्या किया था, कॉइल पास पास रखी हुई थी, ठीक है, इस बार क्या किया आपने, एक के ऊपर एक कॉइल रखी हुई है। अगर मैं फर्स्ट में करंट को चेंज करूंगा तो ईएमएफ किस में जनरेट होगा बच्चों, सेकंड में, ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाली कॉइल में करंट चेंज करूंगा तो ईएमएफ कहां जनरेट होगा, अंदर वाली कॉइल में, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, तो बच्चों ये ध्यान से देखो इस चीज को, आपके पास जो अंदर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, अंदर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो क्या होगा, बी वन, और ये हम पहले भी कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट एन वन आई बाई एल, और जो बाहर वाली जो कॉइल है उसका फील्ड कितना होगा बच्चों, दिस। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आएगा, अब आपने क्या करना है, बाहर वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स निकालना है अंदर वाली कॉइल की वजह से, ठीक है, यानी फाई टू वन बोलेंगे हम इसको, ओके, दिस इज कॉल्ड फाई टू वन। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एन बी ए कोस थीटा, कोस तो जीरो है यहाँ पर, क्लियर। अब हम फ्लक्स बाहर वाली कॉइल में निकाल रहे हैं तो एरिया भी कहाँ लेंगे, आउटर कॉइल का, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कहाँ लेंगे, आउटर कॉइल के, लेकिन जो फील्ड आ रहा है वो अंदर वाली कॉइल की वजह से आ रहा है, इसलिए हम लेंगे बी वन, तो एन टू की जगह एन टू आ गया, दिस वन, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और ये हमारा एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या बनेगा हमारे पास, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, और ये फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, एम आई के बराबर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। क्लियर? तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगेन अब हमने क्या निकालनी है, फर्स्ट वाले की निकालनी है, हम किसमें निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट वाले में फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, तो नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों किसके आएंगे, फर्स्ट कॉइल के, मैग्नेटिक फील्ड इस बार बाहर वाली कॉइल का आएगा, एरिया अंदर वाली कॉइल का आएगा, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके पास सेम, जो है हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एरिया का डिफरेंस आ रहा है बस यहाँ पर, अगर एरिया अलग सेम हो जाए लगभग, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी दोनों की क्या हो जाएगी बच्चों, सेम, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास सेल्फ इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। क्लियर? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ अब क्या बच्चों आपके पास,
ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक था, क्लियर। और ये जो आपका पार्ट है बच्चों कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सी द क्वेश्चन। ये आपके पास डीआई बाई डीटी का ग्राफ है, ठीक है, डीआई बाई डीटी है आपके पास, और ये बच्चों क्या है, ईएमएफ। ये आपको दो इंडक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, एक एल वन और दूसरा है बच्चों एल टू, क्लियर। तो आपने क्या करना है, ये बताना कि विच इज बिगर, एल वन और एल टू, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। टेल मी, स्क्रीन पॉज करें और क्वेश्चन करें। सर चाहिए। क्यों, क्यों क्योंकि एक पॉइंट पे ईएमएफ L1 की ज्यादा होगी तो L2 की कम होगी। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो उसको। हाँ, L1 इज सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए ध्यान से देखना, हमारे पास बच्चों ईएमएफ का फॉर्मूला होता है LdIdt, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे DiDt था, यहाँ पर क्या था, DyDt ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो मैं एक फिक्स वैल्यू ले लेता हूँ DyDt की, तो L1 में ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो ई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल के, क्लियर। तो बहुत ही आसान है इसको समझना, तो यहाँ पर L1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अब हमारा हम एक और टॉपिक करेंगे, ध्यान से देखना। टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये हम पहले कर चुके हैं क्या। ठीक है, एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सी, आपके पास वैसे ही एक इंडक्टर है, एक इंडक्टर है आपके पास, ठीक है, दिस इज इंडक्टर, और इसमें से बच्चों कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। एसी करंट है, वो जीरो से कहां तक फ्लो करता है, आई तक, मतलब जीरो करंट की मिनिमम वैल्यू है और आई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपको अच्छे से पता है, अगर मैं इसमें वर्क डन का एक्सप्रेशन लूं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। मान लो स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हुआ, और हम एसी में वोल्टेज को क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला, क्लियर। अब आपको अच्छे से पता है जो करंट का फॉर्मूला है बच्चों वो क्या होता है, डीआई बाय डीटी, डी क्यू बाई डी टी, सॉरी, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डी क्यू का आई डी टी, हम इसको पुट करें तो बच्चों ये आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास ई इंटू आई डी टी, ठीक है। अगेन बच्चों जो आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, ये सभी अच्छे से जानते हैं,
डीटी से डीटी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा बच्चों आपके पास एल आई डी आई, क्लियर। तो ये बचा आपके पास, यहां पे हम शुरू से लिख लेते हैं सारा एक्सप्रेशन। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला आ गया आपके पास एल आई डी आई, ठीक है। अब टोटल के लिए बच्चों क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करके यहाँ तो W बन जाएगा, और वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी। L कांस्टेंट है, करंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, जीरो से लेके I तक, क्लियर, इसकी लिमिट आ गई। L कांस्टेंट है, I का DI के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, आई स्केयर बाई टू। तो ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, हाफ एल आई स्केयर या फिर एल आई स्केयर बाई टू, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, क्लियर। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बच्चों, आप सभी ने वो सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को याद कर ले, हाफ एल आई स्केयर, ठीक है। आपने क्या निकालना है, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन नोट कर लें, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में जो है एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर लें, क्लियर। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।